वेलकम टू मॉम सैमी कुकिंग। आज की रेसिपी है शाही पनीर पोस्ता। ये प्योर वेज है। सबसे पहले 8 से 10 काजू और बादाम, 3 चम्मच पोस्ता दाना और 2 हरी मिर्च में पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें। एक बड़ा टमाटर पीस कर रख दें। एक पैन में 4 चम्मच तेल गरम करें। इसमें 250 ग्राम पनीर को क्यूब के आकार में काट कर डालें। पनीर लाइट गोल्डन हो जाने तक इसे फ्राई करें। इसे तेल से निकालें और अलग रख दें। तेल में 5 इलायची और 10 लौंग डालें। आधे चम्मच जीरे का फोड़न लगाएं। तैयार काजू, बादाम और पोस्ता के पेस्ट को इसमें डालकर फ्राई करें। अब इसमें टमेटो प्यूरी डालकर मिलाएं। इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर इसे 2 मिनट के लिए कम आंच पर अच्छे से भूनते रहें। पेस्ट सूखने से पहले इसमें ड्राई मसाले मिलाएं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मसालों को तेल छोड़ने तक फ्राई करें। ध्यान रखें मसाला जले नहीं। आंच को बढ़ाकर इसमें 1 मग पानी डालें। ग्रेवी में स्वाद अनुसार नमक मिलाएं। ग्रेवी में उबाल आ जाने पर इसमें 2 से 3 हरी मिर्च और फ्राइड पनीर डालें। एक चम्मच कसूरी मेथी और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे ढककर कम आंच पर 5 मिनट के लिए पकने दें। आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अंत में 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय की घी डालकर मिलाएं। इसे ढककर 1 मिनट के लिए पकने दें। शाही पनीर पोस्ता तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। हमारे रीसेंट अपडेट्स को पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू।